Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you have started watching the videos and you are completing your exercise also that we are doing in the video class, isn't it? Children, you know that we have started doing this chapter number 1, 3-digit numbers, since past many videos. And so far we have completed numbers from 101 to 200, 201 to 300, and 301 to 400 we have just started in the previous video. We are not only doing counting from 101 to 200 and 201 to 300, but we are also doing number names and how to read the numbers. We are learning how to read the numbers. 3-digit numbers को कैसे हम पढ़ते हैं according to the place value they have, according to the places each digit is having. So in today's video we'll be writing countings from 301 to 400. आज के वीडियो में हम काउंटिंग लिखेंगे 301 से 400 इन ग्रिड, जो जैसा कि आपके बुक में बना हुआ है. ऑलरेडी इट इज़ देयर, यू हैव टू जस्ट फिल इन द नंबर्स फ्रॉम 301 टू 400 एंड यू हैव टू राइट द नंबर्स एज वेल एज यू हैव टू रीड द नंबर्स. नंबर का रीडिंग कैसे करते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियोस. वी रीड नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑन विच दे आर. प्लेस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, बिकॉज इट इज़ अ 3-digit नंबर. ऑल द नंबर्स आर 3-digit नंबर्स. सो द प्लेसेस विल बी वंस, टेंस एंड हंड्रेड, एंड नंबर्स on each of these place will have the values accordingly. जिस place पर जो number है उसकी value भी उसी के हिसाब से होती है. ones की place पर जो digit होता है उसकी ones की value होती है, जो tens की place पर digit होता है उसकी value tens के according होती है, और जो number 100 की place पर होता है उसकी value 100 के according होती है. This we have read in the previous video. And I have also taught you how to read the numbers as per the place values. तो reading के साथ साथ हम writing करेंगे numbers का from 301 to 400. Open your book, page number 20. Write the numbers in order from 301 to 400. It is given on page number 20. So I will write the question here. यहाँ पर मैं question लिख दे रही हूँ. Question is, write W R I T E. Write the N U M B E R S numbers in order from 301 to 400. Okay, 301 से 400 तक हमें numbers लिखने हैं. Now children, as you can see, in your book, grid is already made. Place boxes are there where you have to write the numbers. But here on board, I don't have box, so I will draw it roughly. यहाँ पर मैं एक rough यहाँ पर एक box draw कर लूँगी. ये horizontal और vertical line के साथ 10 tens का 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है. लेट मी ड्रॉ द लाइंस अगेन. थोड़ा सा प्लेसिंग और पास करनी पड़ेगी. लेट मी ड्रॉ अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 5, then 6, then 7, 8, 9 and 10. I will draw 10 horizontal line and 10 vertical lines.
तो मेरा भी 10 का 100 का रो एंड कॉलम फुल बॉक्स बन जाएंगे. आई विल हैव अ ग्रिड ऑफ 100 बॉक्सेस. ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट. यू हैव टू डू दिस इन योर बुक. आपको ये अपनी बुक में ही करना है. दिस यू विल डू इन योर बुक. आई विल शो इट ऑन द बोर्ड एंड यू कैन राइट अलॉन्ग विद मी और यू कैन राइट लेटर ऑन आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो. इन प्रीवियस वीडियोज यू मस्ट हैव सीन दैट सम नंबर्स आर गिवन इन बिटवीन द ग्रिड एंड रेस्ट यू हैव टू फिल. बट इन दिस ग्रिड नो नंबर इज गिवन इन बिटवीन द ग्रिड. कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिखा है. ओनली द स्टार्टिंग नंबर्स आर गिवन. एज यू कैन सी इन द बुक पेज नंबर 20 ओनली स्टार्टिंग नंबर्स आर गिवन. लाइक यू कैन सी इट इज रिटन 301, 311, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381 and 391. Only this you can see on that grid. बीच में कोई भी नंबर नहीं लिखा है. एंड जैसा कि आपने अपने प्रीवियस पेजेस में देखा होगा, प्रीवियस ग्रिड में बीच बीच में कुछ क्लूज दिए हुए थे. बट हियर नाउ यू हैव टू राइट योर सेल्फ. इट इज़ गिवन इन दिस फॉर्मेट. सो आई थिंक यू कैन डू दिस. आप अपने आप से इसे कर सकते हो. लेकिन मैं आपको रीडिंग के साथ इसको बताऊंगी और आप भी रीडिंग के साथ इसको करेंगे. 301 इज 301. You know that this is ones place, this is tens place, this is hundred place. ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर किसी प्लेस पे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पर हम जीरो लिखते हैं. जैसे यहाँ पर टेंस कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर जीरो है. We will read this 301 क्योंकि टेंस कुछ नहीं है. तो 301 के बाद क्या आएगा? 302, 302. टेंस की प्लेस पर नथिंग इज देयर. 303 is 303. This is 300, this is 3. No tens. 304, 304. This is 300, this is 4. No tens. 305, 305. 306 is 306. No tens. 307 is 307. This is 300, this is 7, no tens. 308. This is 300, this is 8, without tens. So 310. 309 is 309. And finally 310. क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है. तो अब हमारे पास 110 आ गया. Now we have 110, but we are not having any ones here. So this is 310. 310 is 310. Now moving on to next row. ऐसे होता है उसको row बोलते हैं और ऐसे होता है उसको बोलते हैं column. जो इस तरह से जब हम लिखते हैं that is called row, and जब ऐसे लिखते हैं vertically तो उसको बोलते हैं column. Now next row में लिखेंगे 311 है तो 312 is 312. 312 कैसे? This is 300. ये 10 plus 2, 12. 10 plus 2 is 12. This one is tens and उसके साथ 2 मिल गया तो 12. 312. 313 is 313. 314 is 314. 315 is 315. 316 is 316. 317 is 317. 318 is 318. 319 is 319. And 320 is 320. अब ये जो है 2 कैसे बना ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. एक बार और मैं आपको बता देती हूँ.
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद क्या आता है 10 आता है 9 के बाद जब हम 10 लिखते हैं तो दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस बिकॉज 10 इज अ टू डिजिट नंबर 10 इज अ टू डिजिट नंबर और जब भी टू डिजिट नंबर्स होते हैं तो उसमें से एक वंस होता है और दूसरा टेंस होता है तो यहाँ पर हमारा वंस क्या है 0 है ठीक है हमारा नंबर क्या था 319 था तो अब हमारा टेंस वंस पे क्या हो गया 0 हो गया टेंस हमारा क्या है एक टेंस ये है और एक टेंस हमारे पास पहले से है 319 में ये एक टेन है और एक और टेन मिल गया तो हो गए हमारे टू टेंस और 100 तो हमारे पास सिर्फ एक ये है पहले वाला तो 320 ओके देन 320 के बाद 321 322 इज 322 दिस 3 इज 100 दिस 2 इज टेंस एंड दिस 2 इज वंस वी हैव डबल 2 हियर देयर आर 2 टूज बट ईच 2 हैज डिफरेंट वैल्यू दिस 2 इज टेंस व्हिच मींस 20 दिस 2 इज वंस व्हिच मींस 2 सो दो देयर आर 2 टूज दो 2 हैं लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है एक 2 टेंस है मतलब 20 और दूसरा वंस है मतलब कि 2 322 फिर 323 323 323 2 टेंस इज 20 एंड 3 देन 324 324 300 दिस 2 इज टेंस मतलब 20 और फिर 4 324 325 इज 325 326 इज 326 327 इज 327 328 इज 328 329 इज 329 एंड देन 330 अगेन सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर 329 9 के बाद आता है 10 और 10 क्योंकि टू डिजिट नंबर है तो वंस क्या है 0 है इसीलिए हम 0 लिखते हैं 2 टेंस है और एक और 10 हमें मिल जाता है तो टोटल हमारे 3 टेंस हो जाते हैं और 100 हमारे पास एक्स्ट्रा एक भी नहीं है जो पहले वाला 100 है वही रहेगा तो 330 हो जाता है 30 के बाद क्या आएगा 331 332 332 इज 332 अगेन यू कैन सी दैट नाउ इन दिस रो यू विल फाइंड डबल थ्री सब जगह आपको डबल थ्री दिखेगा बट बोथ द थ्रीज हैव डिफरेंट वैल्यूज हमको दो 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 थ्री यहाँ दिखेंगे लेकिन दोनों थ्री का वैल्यू अलग होगा एक क्या है टेंस है और एक 100 है ये वाला 3 टेंस की पोजिशन पे है तो ये 30 रहेगा ये 300 की पोजिशन पे है तो ये 300 कहलाएगा तो इसीलिए इसको 331 332 333 नाउ हियर वी हैव 333 333 बट ऑल दीज थ्री हैव डिफरेंट वैल्यूज तीनों थ्री जो है वो दिख रहे हैं सेम इनका फेस सेम है मतलब फेस वैल्यू सेम है लेकिन प्लेस वैल्यू अलग अलग है क्योंकि इनकी प्लेसेस अलग हैं ये वंस है ये टेंस है ये 100 है तो ये वाला 300 की प्लेस पे है इसलिए इसको 300 बोलेंगे ये वाला 3 टेंस की प्लेस पर है तो इसको 30 बोलेंगे और ये 3 वंस की प्लेस पर है इसको सिर्फ 3 बोलेंगे तो 333 देन 334 एंड वी विल रीड दिस 334 335 335 ये डबल हो गया 331 हम पहले लिख चुके थे लेट मी डू द करेक्शन ये 331 रिपीट हो गया है आई विल राइट इट वंस अगेन
I did not notice that 331 already likha hua hai. So 332 will be here, 333 will be here, 334 will be here and 335 will be here. बॉक्सेस गलत हो गए थे क्योंकि 331 ऑलरेडी लिखा हुआ था. आई रोट इट अगेन, इसलिए उसको मैंने इरेज करके सही कर दिया. नाउ 336 इज 336, 337 इज 337, 338 इज 338, 339 is 339. Now in every box you can see 333 333 333 333, but as I have told you, both the threes have different values. Here we have 333 that I explained you. Again we got here 9 9 ke baad aayega 10 10, matlab two digit number hai. Usme zero kya hai? Ones hai. One kya hai? Tens hai. Tens hamare paas pehle se kitna hai? 3 tens हमारे पास पहले से ही हैं, उसमें एक और 10 मिला देंगे तो हो जाएगा 4 tens. 100 यहाँ पर एक्स्ट्रा एक भी नहीं है, हमारे पहले वाला ही 100 है, तो हो गया 340. ओके 340. नाउ आफ्टर 340 वी ऑलरेडी हैव रिटन हियर 341. मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी, दोबारा से 341 नहीं लिखूंगी, पहले से लिखा हुआ है. 341 इज 341. Then after 341 it is 342. 342 is 342. 342 is 342. Then 343. 343. 344. 344. Now here you can see double 4. Okay, 2 4s are there. Do bar 4 likha hai, but they both the 4s are different value. Now you have come to know, ye wala 4 kya hai? Ye wala 4 hai tens, matlab 4 tens matlab 40. Aur ye 4 kya hai? Ones, matlab ki 4. 344. Then 3 4 5 is 345. 346 is 346. 347 is 347. 348 is 348. 349 is 349. 349 के बाद अब 349, हम फिर 9 पे पहुंच गए. 9 के बाद क्या आया? 10. 9 के बाद 10 आया ना. आप ये सीक्वेंस देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद आ गया 10. तो ये हमारा वंस है, तो वंस को हम वंस की जगह पे लिखेंगे. ये हमारा टेंस है ना, तो टेंस हम को हम टेंस की जगह पे लिखेंगे. लेकिन टेंस की जगह पे पहले से ही क्या है? 4 है. उस 4 में हमने मिलाया एक और 1, तो हो गया 5. तो हो गया हमारा 350. तो 350 तक हम पहुंच गए. 351 पहले से ही लिखा हुआ है. 351, 351 को हम पढ़ेंगे. 300, 5 tens is 50 और 1. 5 tens is 50, तो वो उसको हम 5 tens को 50 और ये 1 जो है ये वंस की प्लेस पर है, तो 351. ठीक है, तो 352. अच्छा एक चीज मैं आपको बार बार यहाँ रिपीट करती हूँ, फिर भी एक बार और बता ही देती हूँ मैं, कि ये जो टेंस वाली चीजें हैं, कि अगर जो नंबर वंस की टेंस की प्लेस पर अगर 1 है तो वो 10 ही रहेगा. अगर 1 टेंस की प्लेस पर 2 लिखा है तो उसको हम बोलते हैं 20. ठीक है, टेंस की प्लेस पर अगर 2 लिखा है तो 20, टेंस की प्लेस पर 3 लिखा है तो THIRTY 30. या अगर मैं इस तरह से बोलूं तो टेंस, अगर 2 टेंस है, अगर 2 टेंस इज कॉल्ड 20. ठीक है, 3 टेंस इज कॉल्ड 30,
4 tens is called 40. 5 tens is called 50. 6 tens is called 60. 7 tens is called 70. S-E-V-E-N-T-Y, 70. 8 tens is called 80. E-I-G-H-T-Y, 80. And 9 tens is called 90. ठीक है, 2 tens 20, 3 tens 30, 4 tens 40, 5 tens 50, 6 tens 60, 7 tens 70, 8 tens 80 and 9 tens is called 90. सब में आपने देखा होगा टी 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 वर्ड यूजर है, तो ये एक क्लू है. टी मतलब टेंस, ऐसे आप दिमाग में सोच सकते हैं, टी मतलब टेंस. तो जहाँ भी टेंस की पोजीशन पे नंबर है उसको हम टी लगा के पढ़ेंगे. फाइव है तो फिफ्टी, फाइव टी नहीं फिफ्टी. ठीक है, फिर थ्री फाइव थ्री इज 353. थ्री फाइव फोर इज 354. 355 is 355. 356 is 356. 357 is 357. 358 is 358. 359 is 359. Again 9 है तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, और 10 में से जो 0 है वो 1s है, और 1 क्या है, 10s है. तो 5 tens में एक और 10 मिल गया तो हो गया 6 tens and 3, तो हो गया हमारा 360. We reached now 360. अब इसके बाद 361 is 361, 362 is 362, 363 is 363, 364 is 364, 365 is 365. आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी हम टेंस की प्लेस में बोल रहे हैं उस नंबर को हम टी वाई लगा कर बोल रहे हैं, है ना. जितने भी टेंस वाला ये जो है आपको नंबर दिख रहे हैं, मैं रेड से उसको मार्क कर देती हूँ, सबको हम टी, सब में टी का साउंड आता है. ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, सबको हम टी टी लगा के बोल रहे हैं. ये क्योंकि 100 को तो हम 100 ही बोल रहे हैं, वंस वाले नंबर को एज इट इज बोल रहे हैं, जो टेंस वाले हैं बस उसी में हमारा टी लगता है. ठीक है, बाकी सबको हम एज इट इज बोलते हैं. अगर 100 है तो 100 ही बोल रहे हैं, वंस है तो उसको वंस की तरह ही एज इट इज उस नंबर को बोलते हैं. ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखते जाइए कि जो टेंस की प्लेस में वो टी, हम टी लगा के बोल रहे हैं. 362, 363, 364, 365, 366, 366, 367 is 367, 368 is 368, 369 is 369. एंड देन द सेम रूल इज एप्लीकेबल, 9 के बाद जब 10 आता है तो एक 10 हमारा बढ़ जाता है. 9 के बाद हमारा 10 आ गया तो 6 10 है, उसमें एक और 10 डाल देंगे तो 7 10 हो जाएगा. तो 7 10 इज 70 और नो वंस, तो 370, 7 tens मतलब 70. ठीक है, अब 371 है तो 371 मतलब 371, 371. ओके, दिस 3 इज 100. तो 372 इज 372, 373 इज 373, 374 इज 374, 375 इज 375,
376 is 376. 377 is 377. Double 7. Again, we have numbers repeated here, but the values are different. Though the numbers are repeated, but their values are different. ये 70 है और ये 7 है. ठीक है, 70 इसलिए है क्योंकि ये टेंस की प्लेस पर है. देन 378 इज 378. 379 इज 379. एंड अगेन ये 9 हो गया. अब इसके बाद 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है. तो 7 10 पहले से ही और एक और 10 मिल गया, तो कितने 10 हो गए, 8 10. 8 10 मतलब 80. 8 10 मतलब 80. एंड ये 8 10 मतलब 80 हो गया, और 1 से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 380 हो गया. ना 381 इज कॉल्ड 381. इसको पढ़ते हैं 381. अगेन आई विल मार्क द टेंस विद, यहाँ पे मैं इसको इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही नंबर है जिसको हम टी लगा के पढ़ते हैं. थ्री ये 70 70 70 है, और फिर उसके बाद लास्ट में 80. यहाँ पर हमारा हो गया फिर से 381 इज 81. दिस इज कॉल्ड 80. दिस 8 इज 80. 381. 382 इज 382. 383 इज 383. 384 इज 384. 385 इज 385. देन 386 इज 386. थोड़ा नीचे होने से लिखने में राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. 387 इज 387. 388 इज 388. हियर 8 इज रिपीटेड. 8 यहाँ पर दो बार है, बट जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों नंबर भले सेम दिख रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट है. दे हैव डिफरेंट वैल्यूज. इसकी इस वाले टेंस वाले की वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, ये इससे ये 10 times ज़्यादा है, 80 है. तो 389 इज 389. और जब भी हम 9 पे पहुँचते हैं तो हम कहाँ पे आते हैं, उसके बाद हमें एक 10 मिल जाता है. 9 के बाद 10 आ जाता है, और 8 10 हमारे पास पहले से ही है, तो एक और 10 मिल गया. तो कितने 10 हो गए, अब पहले से हमारे पास 8 10 है ना, 8 10 है. अब हमें एक और 10 मिल गया. वो 8 10 कहाँ से मिला, 9 के बाद 10. तो अब हमारे पास 9 10 हो गए, और 1s 1 भी नहीं है, और 100 तो 3 है ही, तो हो गया 390. ठीक है, अब 391 391. 392 इज 392. 393 इज 393. 394 इज 394. 395 इज 395. 396 इज 396. 397 इज 397. 398 इज 398. 399 इज 399. अब जब हम 99 पर आ गए तो अब क्या करना है, डबल 9 है मतलब 399. ये यहाँ के बाद भी 10, यहाँ के बाद भी 10. तो हमारा इसके बाद क्या है, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है. 99 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 100 आता है. 300 हमारे पास पहले से ही है. अब हमारे पास एक और 100 हो गया, मतलब कितने 100 हो गए, 300 पहले वाला और एक और 100, 99 के बाद जो आता है 100, तो हो गया हमारे पास, नाउ वी हैव 400. पहले से हमारे पास 300 है, और 99 के बाद जो 100 आया तो हो गया हमारे पास टोटल 400. ठीक है, तो ये हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है 301 से लेकर 400 तक. अब 301 से 400 के बीच के जो नंबर नेम्स हैं, जो नंबर्स एंड वर्ड्स हैं,
उनको हम फिगर में लिखने वाला करेंगे, उनको हमको फिगर में लिखने वाला, जैसा कि आपके हर एक्सरसाइज के साथ था ना, ये जब आपने 101 से 200 किया था उसमें भी था, नंबर्स इन वर्ड्स थे उसको आपको फिगर में लिखना था, 201 से 300 जब किया था तो नंबर्स इन वर्ड्स थे उनको आपको फिगर में लिखना था। सेम यहाँ पर भी है, नंबर्स इन वर्ड्स होंगे मतलब नंबर नेम्स होंगे उनको आपको फिगर में लिखना होगा, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। वो इसको हम उस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, नंबर नेम्स हम करेंगे, नंबर नेम्स नहीं, नंबर नेम्स दिया होगा उसको फिगर में लिखने वाला वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। दिस यू हैव टू डू इन द बुक, आई रिपीट, यू हैव टू डू दिस इन बुक, कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है। बुक में आपके लिए सफिशिएंट स्पेस दिया हुआ है, बॉक्सेस बने हुए हैं, यू हैव टू राइट इट देयर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी तरह का आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।